What's up everybody, welcome back to my YouTube channel directly from Bongaigaon. और अभी हम लोग यहाँ पे बोंगाईगांव पे दोपहर के अराउंड 12 बजे पहुँच गए थे और यहाँ पे अभी ट्रैकिंग शुरू हो रहा है अभी 3 बजे के आसपास. तो अभी मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ. ये है कायनाथ और दिस इज सविता. आपने पिछले ब्लॉग्स पे देखा होगा इनको. और ज्योति ये भी पहली बार ब्लॉग पे आई है. और सुमन सर नॉन फेस ये पिछले बार जो हम लोग जो रोपे पे जो गए थे तो वहाँ का ब्लॉग भी. हम लोग को जाना है उस पहाड़ पे और यहाँ का जो एरिया था यहाँ पे पीछे हम लोग ने यहाँ पे कार पार्किंग किया है और यहाँ से हम पैदल आए थे. और ये है रास्ता. तो अभी यही जो टॉप कॉर्नर देख रहे हो यहाँ पे हम लोग को जाना है. और ये है रास्ता. यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा रिवर क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा सा दीप है बोल के हम लोग यहाँ से जाएंगे. थोड़ा सा दीप है तो यहाँ पे सब अपना जूता निकाल रहे हैं. सो लेट्स गो. सो गाइस मैं जूता नहीं खोलूँगा, मैं ऐसे जाऊँगा. सो बाकी लोग ने यहाँ पे जूता खोल रहे हैं. और गाइस आप व्यू देख सकते हो गाइस, यहाँ का जो व्यूज़ है अनबिलीवेबल. और यहाँ पे देखो आप लोग. सो यही है ट्रैकिंग. तो अभी जो है अभी हम लोग का जो ट्रैकिंग है अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से. और अभी जब हम ऐसे चल रहे थे तो हम लोग गुवाहाटी से कब का बहुत पहले यहाँ पे पहुँच चुके थे. लेकिन क्या होता कि जो दूसरा टीम था वो हम लोग एक साथ एक दो टीम जा रही है तो दो टीम के साथ हम लोग जा रहे थे. तो हम लोग बहुत पहले बोंगाईगांव पे पहुँच गए ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास. और हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर रुके दूसरे टीम आने का जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद अराउंड 12 बजे आसपास पहुँच गए यहाँ पे क्योंकि हम लोग गुवाहाटी से निकले थे ऑलमोस्ट 8 बजे को. तो यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर हमने काफ़ी देर रुका यहाँ पे, फिर बीच में हमने ब्रेकफास्ट भी किया. तो इसलिए मैं गुवाहाटी से डायरेक्ट मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं सोचा कि मैंने काफ़ी हड़बड़ी था. और यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर काफ़ी हमने वेट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ गए. और अभी जो है ऑलमोस्ट 1 घंटे का ट्रैकिंग हो यहाँ से. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक कैंपिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जा रहे हैं. तो ये जो कैंपिंग है वो पड़ा हम लोग का पर पर्सन 1400 रुपीस, जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो सब इंक्लूडेड है. और हम लोग ने मैं अपना टेंट लेके आया हूँ. तो यहाँ पर जो है टेंट का जो चार्जेस है वो यहाँ पर नहीं लगा. तो और एक यहाँ पे हम लोग के पीछे कुत्ता भी आ रहा है हमारे साथ जो कि बीच में हमेशा रुक जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है जाते समय. अभी देख सकते हो यहाँ का व्यू. सो लेट्स गो. तक कितना टाइम लगेगा भैया? 20 मिनट लग जाएगा. सो लेट्स गो. तो यहाँ से ऑलमोस्ट 20 मिनट और चढ़ने में. अभी ऊपर पे एक बेस कैंप टाइप है तो वो फुल टॉप माउंटेन नहीं होगा, वहाँ पे जाके हम लोग टेंट करेंगे. और गाइस हम लोग गुवाहाटी पे पहले से थक चुके थे क्योंकि हम लोग ने बहुत देर वेट किया यहाँ पे. अभी और अराउंड 20 मिनट का चढ़ाई करना है. यहाँ पे बाकी के लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं. लेट्स गो. तो जैसे जैसे हम लोग आगे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं हम लोग को ऐसे से पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा जोक है, यू नो, कभी भी पाँव पे कभी भी लग जाता है. तो यहाँ पे अगर आ रहे हो तो ऑलमोस्ट फुल शू पहन के आइए
अगर स्लीपर स्लीपर पहन के आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे चुकेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो टाइम टू टाइम अपना पाँव भी चेक करते रहे। अभी मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगेज लेके घूम रहा हूँ और ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका जॉग या जहाँ पे भी लगा रहेगा, यहाँ पे आई थिंक केरोसिन लगा है, तो केरोसिन लगाते वहाँ पे नमक है वहाँ। अच्छा नमक है, हाँ तो नमक है यहाँ पे, तो जहाँ पे भी वो ऐसा अगर रगड़ोगे तो वहाँ से वो जॉग हट जाएगा। सो ये काफ़ी काम आएगा। सो लेट्स गो। सो अभी ऑलमोस्ट 5 बजने के आसपास अभी हम लोग आधे रास्ते पे, और बीच रास्ते में जो सुमन सर थे वो थक गए थे तो यहाँ पे अभी रेस्ट ले रहे हैं। और अभी देख सकते हो यहाँ पे और ऊपर हम लोग चढ़ना है। सो हम लोग को वहाँ पे जाना है और यही रास्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो वही है हम लोग का डेस्टिनेशन। सो लेट्स गो। सो गाइस अभी अंधेरा हो गया काफ़ी, तो यहाँ पे बेस कैंप पहुँचने वाला उस तरफ है। सो अभी यही रास्ता है, आप देख सकते हैं। सो लेट्स गो। सो ये रहा गाइस, यहाँ पे अंधेरा और यहाँ पे लॉग। सो काफ़ी चढ़ाव करने के बाद जो यहाँ पे जो है वो बेस कैंप है और यहाँ पे हम लोग आज टेंट लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कितना भीग चुके हैं और पीछे हम लोग ने यहाँ पे दो टेंट यहाँ पे गाड़ लिया है, और जो मैं टेंट लेके आया था वहाँ पे सुमन सर, सुविधा और मैं सो जाएंगे, और बाकी के जो ये जो टेंट है यहाँ पे दो लोग सोएंगे, ज्योति और कायनात होगी। तो अभी यहाँ पे चढ़ते समय ऑलमोस्ट 1 घंटे का समय लग गया क्योंकि बीच पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा बीच पर उन्होंने रेस्ट किया था, और यहाँ पे बारिश गिरने की वजह से बहुत सारा रास्ते में जोग भी मिला, लीचेस भी मिला, तो हर 10-10 मिनट पे हमारे पाँव पे चिपक जाते थे, तो वो सब निकाल के अभी ऑलमोस्ट हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो 6 बजे के आसपास पहुँच गए थे यहाँ पे, तो हाँ अंधेरा हो गया था। तो अभी यहाँ पे पीछे हम लोग टेंट यहाँ पे लगाए रहे और यहाँ पे एक टेंट है, तो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे और इसके बाद थोड़ी देर बाद डिनर होगा, और कल सुबह नकाटी उसके तरफ ट्रैकिंग कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड टुडे इज़ द सेकेंड डे एट नकाटी हिल्स, और जैसे कि हम लोग कल शाम को ऑलमोस्ट रात हो गया था, मतलब अंधेरा हो गया था यहाँ पे पहुँचते, और रात का जो ब्लॉग है वो मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गया था, और यू नो आते ही यहाँ पे टेंट लगाया हम लोग ने, फिर टेंट लगाने के बाद फिर थोड़ा सा यू नो पार्टी वार्टी किया, फिर उसके बाद डिनर किया, डिनर करने के बाद फिर हम लोग सो गए, तो रात को हम लोग अच्छे से सो नहीं पाए थे, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग 4:30 के आसपास उठे, जो सनराइज़ था वो देखना था और टाइमलेस भी देखना था, लेकिन यहाँ का जो पीछे का जो व्यू है वो हिल इतना हाइट में इतना बड़ा था कि जो सनराइज़ था वो हो नहीं पाया। तो अभी हम लोग थोड़े पहले हम लोग ने ब्रश किया और ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी देख सकते हो कि जो लोग हैं वो पीछे यहाँ पे ऐसे चिल कर रहे हैं, और अभी ऑलमोस्ट 8 बजने को है, अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, और अभी ऑलमोस्ट सभी का जो फ़ोन का डिवाइस है ना सबका बैटरी डाउन है, तो अभी सोच रहा हूँ कि कैसे आएगा ब्लॉग बनाओ, क्योंकि अभी भी हम लोग को और ऊपर जाना है, ये बस हाफवे था, और जहाँ तक नीचे से इस यहाँ तक जितना डिस्टेंस था उतना यहीं से डिस्टेंस ऊपर तक रहेगा। सो लेट्स होप कि बैटरी का चार्ज सब ठीक रहे, अभी पावर बैंक पर चार्ज हो रहा है, पावर बैंक पर उतना चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि थोड़ा सा चार्ज करके जितना ब्लॉग हो सके मैं इस स्टोरी को जितना करूँ। और अभी ऑलमोस्ट सभी का जो फ़ोन का डिवाइस है ना सबका बैटरी डाउन है, तो अभी सोच रहा हूँ कि कैसे आएगा ब्लॉग बनाओ, क्योंकि अभी भी हम लोग को और ऊपर जाना है, ये बस हाफवे था, और जहाँ तक नीचे से इस यहाँ तक जितना डिस्टेंस था उतना यहीं से डिस्टेंस ऊपर तक रहेगा,
सो लेट्स होप कि बैटरी का चार्ज सब ठीक रहे। अभी पावर बैंक पे चार्ज हो रहा है, पावर बैंक पे उतना चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि थोड़ा सा चार्ज करके जितना व्लॉग हो सके मैं इस स्टोरी को जितना जल्दी कंप्लीट करूं। हम लोग शुरू कर चुके हैं वापस ट्रैकिंग। अभी जो फर्स्ट कल रात को जहाँ पे हम लोगों ने कैंप किया था, अभी वहाँ से निकल रहे हैं नकट हिल्स के एकदम टॉप पे। और यहाँ पे देख सकते हैं सुवन सर, कायनात और ज्योति। सो और ब्रेकफास्ट पे हम लोग को दिया गया था बॉयल एग और ब्रेड और जैम। तो मुझे लगा कि ब्रेकफास्ट पे थोड़ा सा और अच्छा होगा, लेकिन नॉर्मली था जो ब्रेड और जैम दिया था। अभी वापस चल रहे हैं हम लोग, बाकी के लोग आगे हैं और कुछ जो बाकी के टीम जो हमारे साथ आए थे वो भी पीछे हैं अभी। ओके सो यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल क्या सुमन सर का पोज और यहाँ पे देख सकते हो, जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको ये छोटा सा वाटरफॉल दिखेगा यहाँ पे। अभी बारिश हुआ था तो बोल के यहाँ पे पानी जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो सके तो आप नहा भी सकते हैं। और अभी चल रहे सुमन सर तो, और मैंने अभी जूता इसलिए नहीं पहना क्योंकि मुझे पता था कि रास्ते पे कुछ ना कुछ वाटर क्रॉसिंग करने को मिलेगा, तो मैं डायरेक्टली चप्पल के साथ आ गया। और पिछले बार का जो जूता है वो मेरा भीग गया था, मैं बाहर पर रखा था टेंट के, तो अभी उसको सुखाने के लिए दिया क्योंकि पीछे यहाँ पे कायना कैनत कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है, सांस मिल गए। सबका सांस यहाँ पे फुला हुआ है क्योंकि कैसा लग रहा है ज्योति? अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत टायरिंग भी है। टायरिंग कौन सर? सो गाइस अभी हम लोग ऊपर चढ़ ही रहे थे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारा जोक मिलता है रास्ते पे, बीचेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश पे, और मैं चल ही रहा था तो आप देख सकते हैं कि मेरे पाँव पे अभी एक बड़ा सा जोक लगा हुआ है। अभी इसको बस ऐसे पकड़ के निकालना है। गाइस ये बहुत, सो दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हैं इसको, ये आसानी से जाता भी नहीं है। सो दिस इज हाउ यू रिमूव देम। सो बेसिकली आप देख सकते हैं फाइनली निकल गया इसको। नाम संजय, तुम्हार आकाश
सो फाइनली हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच गए गाइस, और यहाँ पे लगभग एक घंटे का ट्रैक था, और जो बेस कैंप पे हम लोग कैंप कर रहे थे वहाँ पे एक घंटे के बाद हम लोग फिर यहाँ पे पहुँचे। और पहुँचते ही आपको एक बड़ा सा पत्थर दिखेगा, वो पत्थर को फिर से क्लाइम करके, ये सबसे टॉपेस्ट एरिया है इस नकाटी हिल्स का। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है एकदम एज, यहाँ से यहीं पे सब लोग अभी बैठ के सब फोटो खींच रहे हैं, और मैं यहाँ पे अकेला हूँ अभी। सो अभी बहुत धूप है, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा बादल अगर रहता तो धूप कम होता, अभी ऊपर वाले इलाका में भी है तो धूप ज़्यादा लग रहा है, कांट हेल्प इट फिर भी। सो अभी हम लोग इनके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे आए थे। तो आपका नाम क्या है? रूपम सोडर। रूपम, आपका ये एडवेंचर क्लब का नाम क्या है? एडवेंचर हमारा एक क्लब है लेकिन उसके थ्रू नहीं आया, आज इंडिविजुअली आए हम। हमारा एक क्लब है लामा करके, नोरासम माउंटेनियरिंग एडवेंचर एसोसिएशन, उसके थ्रू भी हम प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे भी करते हैं, भुवनेश्वर पहाड़ एक है बोंगाईगांव में, यहाँ भी करते हैं, और असम के बाहर भी लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा, विंटर सीजन में यहाँ पे मतलब हर वीकेंड पे लोग आते हैं। वीकेंड पे लोग आते हैं, फिर आप लोगों को कॉन्टेक्ट करके, कॉन्टेक्ट करते हैं वो लोग, फिर कोई ऐसे ही आ जाते हैं तो मतलब आके उस दिन ही चला जाता है। कोई अगर यहाँ पे नाइट कैंपिंग करना चाहते हैं तो वो हम लोग को कॉन्टेक्ट करके फिर हम लोग बाजार जितना भी सामान वगैरह खरीदना पड़ता है सब खरीद के हम लोग अच्छा देते हैं। और वो जहाँ पे कैंप करते हैं वहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब वो एरिया जहाँ पे हम लोग कैंप किए थे नीचे, वहाँ पे करना जरूरी है, पे करना जरूरी है। हाँ, वो मतलब मेंटेनिंग, मेंटेनेंस जो एक मेंटेनेंस करना पड़ना है ना, तो संघर जो है वो रिपेयरिंग के लिए थोड़ा 200-100 करके पर पर्सन लिया जाता है, और क्लीनिंग के लिए भी तो उसके लिए लेके, क्योंकि मैंने भी देखा था गाइस सुबह वहाँ पे क्लीनिंग करते हैं जहाँ पे रैपर्स और क्या क्या गिरा होता है, तो जगह का अच्छे से साफ़ सुथरा किया जाता है। तो आपको अगर यहाँ पे अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे, तो आप इनको कॉन्टेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। कैंप वैम्प सब आपको मिल जाएगा, डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ यहीं से हो जाएगा, बस इनको कॉन्टेक्ट करना है और बोंगाईगांव पे पहुँचना है आपको, और ये आपको यहाँ तक गाइड कर देंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू। कैसा लग रहा है? बेस्ट।
YouTube चैनल का नाम क्या है? YouTube SNJY संजय ब्लॉगी VLOGI संजय ब्लॉगी मैं लिंक दे दूंगा बिल्कुल मैं एक लिंक लिंक बाय बाय ठीक है सर ठीक है थैंक यू बाय 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 बाय